अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद साहिबा। अच्छा, मैं बाहर बैठी हूँ अपने लॉन में और मैं अंदर नहीं जा रही क्योंकि अंदर बहुत ख़तरा है मेरे लिए। मैं एक हमारे घर में एक नया मेहमान आया है जो जिसकी मेरे साथ कोई बचपन से दुश्मनी है। बचपन से एक डर, एक खौफ है, पता नहीं क्यों। जैसे लोग किसी को कॉकरोच से होता है, किसी को छिपकली से होता है, किसी को कुत्ते से, किसी भी चीज़ से हो सकता है। मुझे असल में बिल्ली से डर लगता है और ये पता नहीं क्यों। रैम्बो साहब ने काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की है कि मेरा डर निकालें, कई दफ़ा कस्में दे कि ये एक दफ़ा हाथ लगा लो उसे, पता नहीं मुझे कुछ डर नहीं लगता। वो एक अजीब सा जो कुछ होता है ना, गंदी लगती है मुझे बिल्ली, अच्छी नहीं लगती। वो ज़रा उलझन होती है जब मैं बल्कि खाना खा रही हूँ बिल्ली आ जाए तो। मैं अक्सर बाहर होता है ना कि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ बाहर बैठकर खाना खाना होता है, तो ये बचपन से यही रहा है, अम्मी अब्बू के साथ भी, बहन भाइयों के साथ भी और सबके साथ, के मैं अंदर, मेरी वजह से ना वो बेचारे मौसम नहीं इंजॉय कर सकते थे, अंदर बैठ के खाना पड़ता था मेरी वजह से। बिल्लियाँ वो ज़ाहिर है टेबल के नीचे आती हैं और इस तरह वो, और हमेशा मेरे साथ तो यही होता था कि मेरे सबकी कुर्सियाँ छोड़ के मेरी कुर्सी के नीचे जो है ना वो बिल्ली आके बैठ जाती थी। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है मेरा, डर है बचपन का। लेकिन रैम्बो साहब से तो मैं लड़ ली और मैंने आपको पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि एक दफ़ा हमारी जो बहुत सख्त लड़ाई हुई थी वो कुत्ते की वजह से हुई थी। कुत्ता भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता घर में रखना, तो रैम्बो साहब एक दफ़ा ले आए थे और मैंने लड़के फिर मैंने एक रात को फ़ोन किया उन्हें, वो डबिंग कर रहे थे। मैंने कहा इसे अब भी इस वक्त लेकर जाएं, मुझे नींद से उठाया इसने, तो उस वक्त ले गए। लेकिन वो तो बात थी मियाँ साहब की। और अब बात आ गई है बच्चों पे। बच्चों को बड़ा बेटा तो ऐसन कहता था कि मुझे बिल्ली बहुत पसंद है, मैं आपकी वजह से नहीं लाता। और वो कुछ थोड़ा सा ये कहता है कि उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे संभालना पड़ता है, वो इस वजह से चलो नहीं लाया और कहा कि चलो जी मम्मा को नहीं पसंद, तो वो थोड़ा मान गया। और जो छोटा बेटा है उसने मुझे ये सरप्राइज़ दिया है एकदम, बगैर पूछे, बगैर इजाज़त लिए और एकदम बिल्ली का वो उसमें डाल के ना एक डब्बे में डाल के ले आया। ये देखो, मैं हैरान परेशान रह गई। मैंने कहा पता नहीं क्या 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 आगे काम मेरे से बगैर पूछे करेगा, एकदम क्या क्या सरप्राइज़ देगा अगली एज में। तो ये मुझे थोड़ा सा मुझे हुआ कि मेरे से पूछा ही नहीं इसने, मेरा ख्याल ही नहीं किया। तो कह रहा मामा बच्चे देखें आजकल के कितने तेज़ हैं। कहता मामा रैम्बो साहब भी सुन रहे हैं। मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। और ये इतना खुश हुआ है जब वो बिल्ली लेकर आया। हाँ, कि मेरी तो नहीं चली और बच्चों के आगे बोल नहीं सकती। ये होता है, अब ये है कि ये होता है हथा दियाँ बनियाँ दंदा नाल खोलनिया पैंदियाँ ने। ऐवें ही पुठी मिसाल दे दी है मैंने। लेकिन सही मिसाल देना नहीं, वो तो ये मिसाल और तरफ है, मैच नहीं कर रही। लेकिन ये है कि जी आपका बस जो है वो मियाँ पे ही चलता है, बच्चों पे भेजती ना, उसे कहती है अभी वापस करके आओ। सर जी मेरा बस, मुझे आधी रात से शूटिंग से बुलाया, मैं डबिंग कर रहा था फिल्म की, अभी आएँ इसे लेके जाएँ। वो डबिंग रुकी, बेचारे बैठे रहे, मुझे एक घंटा आने जाने में लगा, उसको जाके मैं गाड़ी में छोड़ा, फिर सुबह किसी को दे के, पता नहीं किसको दे के, तो फिर मैं घर आया था। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे मुझे निकाला जैसे मैं कोई दूसरी बीवी ले आया था। तो इस तरह के स्टेप तो तब बंदा उठाता है। मजा आ रहा है ये बात है, है ना। हाँ, कितना मजा आता है दो हो ना, कितना मजा आता है। एक घर में हो, एक साथ जाए, दूसरी दफा दूसरी साथ जाए, फिर वो घर में हो, है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। मैं आपके साथ जब बाहर जाती हूँ तो बाहर वाली लगती हूँ, जब घर आती हूँ तो घर में। नहीं नहीं, वो एक घर वाली एक बार वाली, वो फिल्म भी थी ना, घर वाली बार वाली। अच्छा। चलें कोई नहीं, बहुत बड़ा तो जैन साहब बिल्ली लाए हैं, आपने मेरे चैनल पे बिल्ली देख ली होगी, हमने वीडियो बनाई है। अच्छा, जैन से को लेके आए जरा। आधे पोर्शन में तो अब मैं जाती नहीं, पहले ही बच्चों के कमरे में कम जाहिरा, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बड़ी अपनी प्राइवेसी और अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप अपनी सारी प्राइवेसी क्या, अभी बच्चे को उनकी शादियां हो गई हैं, प्राइवेसी नहीं। मैं बच्चों को लॉक नहीं करने देता, कमरे खुले रहते हैं और आना जाना। लेकिन ये है कि वो जाहिर है अपने आजकल ये मोबाइल और ये नेट और ये लैपटॉप और गेम्स ये अपनी आई हैं, अपने कमरों से ही नहीं निकलते। नहीं,
आजकल तो पढ़ाइयाँ भी सारी उसी पे हो रही है ना, उसी पे हो रही हैं, लेकिन वो पढ़ाइयाँ हर वक्त तो नहीं होती ना। सोचते हैं बच्चे खेल, और हर वक्त पढ़ाइयाँ नहीं होती, खेल ही रहे होते हैं बस, बच्चे खेल पढ़ भी रहे बस पढ़ रहे होते हैं, असी नहीं पढ़े ना, जिमें असी नहीं पढ़े टाटा वाले स्कूल बैठ के साड़ी तरह पढ़ के दिखा। हाँ जी, नीचे टाट पे ये देखे जी, दूर है ये, इसमें से जंप तो नहीं मारती? नहीं जंप कुछ नहीं कहती यार, इतनी सी तो है, दूर रह के। हाय हाय, ये देखें वह, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा पकड़ के रखो मेरा बेटा, नीचे छोड़ दो, खेलती रहेगी, तेरे पास नहीं आने दे, पैरों में आएगी, और नहीं आने दूंगा ना, पकड़े रखे ना इसको। ये देखो यार, ये तो हालात है, वो उधर छोड़ दे यार, वो उधर चली जाती है। अच्छा आपको ख्याल नहीं आया मम्मा का कि दिल्ली से कितना, आपको पता ही है मम्मा कितना डरती है? मैंने एक महीना इस बारे में सोचा है पहले, दोस्तों से पूछा, तो दोस्त कह रहे थे कि हमारी जो मामा है ना, उनको भी हो गया था मसला, उनको भी है मसला, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ठीक होगी। वक्त इसको अभी कितना टाइम हो गया हमारे पास? 10-12 दिन हो गया ना। तो ये हाय हाय हाँ, तो अब बच्चे को भी हाथ ना लगाना, उसने बिल्ली को हाथ लगा दिया। नहीं मैं तो ना लगाना, इसको मैंने प्यार ही नहीं किया 10 दिन से है। हाँ नहीं नहीं है, नहीं कुछ इधर नहीं आएगी, उधर जाएगी, नहीं आती। अच्छा, उधर छोड़ दो, खूबसूरत सी बास्केट देख रहे हैं ये। हाँ। नीचे रखो, नीचे रखो, इनकी नाना ने दी है इनको, नानों ने, नाना नहीं, नानों ने, छोड़ दो। हाँ पैर ऊपर कर लो, ये देखें जी पैर ऊपर करके बैठ गई है। अब इसने क्या कहना है, नहीं जंप करती, नहीं आएगी यार, हम बैठे हुए हैं ना। अच्छा। ये है जी पोजीशन, मैं आपको क्या बताऊं, एक मिनट, एक मिनट जी, ये इनकी नानों ने दी है और इसमें इन्होंने बिल्ली का वो बना दिया, बस घर बना दी। ओए परिंदे देख रही है, वो बाहर निकली है ना बड़े अरसे बाद। अच्छा आपने एक महीना इसके बारे में सोचा, उसके बाद दोस्तों से भी मशवरा किया ना, मेरे तीन दोस्तों के पास है, उन सबकी मामा डरती थी लेकिन अब सही हो गई है। मैं क्यों नहीं सही, उन्हीं के कमरे में सोती है, मैं क्यों नहीं सही हो रही। अच्छा वो उनके घर जवेरिया सऊद के घर भी बहुत बिल्लियाँ हैं, वो जन्नत और इब्राहिम बहुत खेलते हैं बिल्लियों से, और उनके तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ वो 6-7 बिल्ली हैं, आपने वो देखी होगी हमारे चैनल में। मैंने तो, आपने मुझे कहा था मैंने आप लोगों को उधर से नहीं लेने दी, हम तो उधर से ले आते उठा के। ये हेलो, अच्छा इसका नाम जो है वो बहुत सारे नाम थे, लेकिन अब इसका जो नाम है फाइनल हो चुका है, और इसका नाम रख दिया है जैन साहब ने ग्लोरिया। ग्लोरिया, ग्लोरिया एक इसका चिकन बॉईल कर रहा होता है और इसका सूप साथ ही उसको दे रहा होता है, और अपना नाश्ता नहीं खुद बनाते, इसका नाश्ता बना रहे होते हैं। हाँ तो बस वो रखी है शौक से, ड्यूटी तो दे रहा है ना। जैन जैन पीछे पीछे करना चाहते, और नहीं आप इतने दूर बैठी हुई हो। अच्छा जिसको फैमिली में पता चला था कि जैन बिल्ली ले आया, उसने सब ने कहा मेरा क्या बनेगा जैन, मेरा बेटा कुछ आपने भी मेरे बना, बारे क्या में सोचा? सबने कहा बड़ी हिम्मत है जैन की, बिल्ली ले आया, मेरे सामने बिल्ली ले आया। हाँ। अच्छा जी, जब किसी जानवर का पेट खराब होता है, ये इस तरह की बिल्ली या कुत्ता, हाँ। तो ये घास खाते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी घास खाते हैं, पेट ठीक होते जाए। फ्यास ठीक है ना, तुम्हें नहीं पता? क्यों नहीं पता, तू पिंड का रहने वाला है, क्यों नहीं पता? जब कुत्ते बिल्ली का पेट खराब होता है इन जानवरों का, तो वो थोड़ा सा घास खा लेते हैं। इसकी आंखें साफ करनी है थोड़ी सी, और गीला लेके आओ, एक टिश्यू लेके आओ, गीला करके। बड़ी शरारतें करती है ये, है
कबा साहब आए, उड़ कोठे उतो काम आवे। मैं तो कब जैन के कमरे में नहीं गई 10 दिन से। थोड़ा सा इतना सा ना, इधर देखे मेरी बात सुने। हाँ। जैन साहब जब उठते हैं ना सुबह, इतना सा दरवाजा खोल के मैं देखती हूँ जैन नाश्ता कर रहा है और फिर वो एकदम बंद कर देती हूँ, क्योंकि देखना उधर जंगली बिल्ली के, बिल्ली ना उसे तंग करे। हाँ ये इधर ही, इधर लेके आओ। जरा सा दरवाजा खुले ना तो हाँ। वो आ जाती है पैरों में, आ जा बाहर भागने लगती तो वो बाहर आती है ना। इधर आ, इधर आ, ये है। अच्छा ये बिल्ली दूसरी दफा हमारे घर में आई है। पहली दफा 3-4 साल पहले जब जवेरिया सऊद आए थे रमजान ट्रांसमिशन करने, हाँ। तो जन्नत अपनी बिल्ली साथ लेकर आई थी। यस, वो यहाँ रही, हमारे घर में रही थी और हमारे बेड के नीचे जाके रहती थी। ऐसी हाँ। थी, इससे बड़ी थी थोड़ी सी। उसकी स्नो वाइट नाम था उसका। अब उसी के बच्चे हैं 6-7। अच्छा हाँ, ये रुई लाए हो ना, और पानी लाओ मैं इसकी आंखें साफ करूं। अच्छा हाँ, थोड़ा पानी ला दो। इसकी बकायदा वैक्सीनेशन भी होती है, बड़े इसके तो काम है बकायदा। अच्छा, और बिल्ली बड़ा नखरे वाला जानवर है, बड़े स्टाइल होते हैं इसके। कुत्ते को आवाज़ दो ना तो एक सेकंड में आता है। इसको बड़े बुलाते रहो, ये बड़े आराम से आती है। मैं करूँ, आप कर लोगे? मैंने इसकी पहले भी की थी। हाँ, ये साफ़ कर दिया करो रोज़ इसकी आँखों में, हल्का हल्का साफ कर दो ये। ले, क्या हो रहा है? अपना कमरा साफ करे, बिल्ली का मुंह साफ कर। बिल्ली का शौक कैसे हुआ? इतना शौक के मामा का भी ख्याल किया। दोस्तों के देख के, एक दफा मैं रहने भी गया था ना दोस्त के घर। अच्छा, तो उसने दो रखी हुई है। किसने? हसनैन ने? हाजिक। हाजिक चलो जी, ये थी बिल्ली की और साहिबा की कहानी। होंगे जवेरिया भी खराब हो रही थी बहुत ज्यादा कि तुम्हारे घर में बिल्ली, ये कैसे हो सकता है? ये देखें, ये लगा हुआ है पपीता, छोटे छोटे बन गए हैं। अल्लाह करे इस दफा हो जाए, ये गिर जाते हैं, छोटे छोटे पपीते हैं। चलें जी, ये थी मेरी एक दुख भरी दास्तान। ये बकायदा मेरी दुख भरी दास्तान है कि मैं अपने आधे घर में अब जा ही नहीं सकती। मैं अपने रूम में जाती हूँ, किचन में जाती हूँ, और बच्चों के कमरे दो साइड पे, उस साइड पे मैं जाती नहीं। हाँ, तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा डर जो है वो ख़त्म हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं हुआ। कुछ लोगों को और भी ऐसे होता होगा। हाँ, कुछ लोगों को, कितने लोगों को बिल्ली से डर लगता है या वो टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, मुझे बताएं ज़रा। हालांकि आपने मेरी एक वीडियो या फिल्म देखी होगी, उसमें मैं हाथी की सूंड में भी बैठी हूँ और एक अजदहा मैंने गले में भी डाला है। मैं मतलब बहादुर बहुत हूँ, ये ना समझिएगा आप, लेकिन बिल्ली वैसे मैं डरती बटरती नहीं हूँ, लेकिन बिल्ली नहीं, बिल्ली और कुत्ता ना, ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे बस थोड़ा सा ऐसे ही खौफ आता है बिल्ली और कुत्ते से। बस अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए लाइफस्टाइल विद साहिबा। अल्लाह हाफ़िज़।